वेलकम टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चैनल। आज हम इस वीडियो में मल्टी ऑब्जेक्टिव पार्टिकल्स और ऑप्टिमाइजेशन के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं इस पर एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जो कि थ्योरेटिकल एंड कोडिंग पर बेस है। वो जो कोड है वो विदाउट एनी डेटा सेट, उसमें कोई भी डेटा सेट यूज नहीं हुआ है। जो ओरिजिनल कोड है मॉप्सो का, मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या क्या वेरिएबल्स यूज होते हैं, क्या क्या फीचर्स यूज होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो वो आप कोड देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ कि हम मॉप्सो एल्गोरिदम में, मल्टी ऑब्जेक्टिव पार्टिकल्स ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम में, हम डेटा सेट, कोई भी डेटा सेट हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो जो मैंने डेटा सेट यूज किया वो कैंसर का डेटा सेट है। आप कोई भी डेटा सेट यूज कर सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको किसी भी वीडियो का कोड चाहिए जो कि मेरे चैनल्स पे अवेलेबल है, तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, देन उसके बाद आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं कोई भी वीडियो के कोड लेने के लिए। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉप्सो होती क्या है, तो ये जो बेस है, लाइक ये गाइस पीएसओ का एडवांस लेवल है, ठीक है, पीएसओ का एडवांस वर्जन आप बोल सकते हैं। जो पीएसओ होती है, पीएसओ क्या होती है बेसिकली, मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ पीएसओ पे, आप वो मैं देख सकते हैं, मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो जो पीएसओ होती है वो ओनली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। अगर हमको कोई भी एक प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी एक प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं कार खरीद की मुझे कार खरीदनी है, ठीक है, और कम से कम प्राइस होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होगी, एक प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे कार खरीदना है और उसका जो कॉस्ट है वो कम होना चाहिए। और मैं अगर बात कर लूँ वही अगर मेरे जो प्रॉब्लम है वो एक से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मेरे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मेरे ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बढ़ जाते हैं तो मुझे टेक्निक भी ऐसी यूज़ करनी होगी जो कि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर सके, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स पर वर्क कर सके। तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स पर वर्क करने के लिए गाइज मल्टी ऑब्जेक्टिव वर्जन, सॉरी मल्टी ऑब्जेक्टिव एल्गोरिदम यूज होती है। ओके, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बोल सकती हूँ कि अगर मुझे कार खरीदनी है कम से कम प्राइस में और मुझे खरीदनी है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की और अच्छे लोग, मतलब कि ये बोल सकते हैं कि आपके मुझे पर्टिकुलर लोकेशन से खरीदनी है, इस लोकेशन से नहीं खरीदनी है, तो वो ऑब्जेक्टिव्स बढ़ जाते हैं। तो अगर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बढ़ जाते हैं तो आप मॉप्सो एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, हम मॉप्सो एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, और अगर एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है तो पीएसओ एल्गोरिदम यूज़ होती है, ठीक है। अब बेसिकली जो मॉप्सो है वो वर्क कैसे करती है, ठीक है, तो मॉप्सो वर्क ऐसे करती है कि इसमें रेपोजिटरी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे रेपोजिटरी मेंबर्स होते हैं और उनका गोल होता है, जैसे कि अगर जो प्रॉब्लम है, सॉरी ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव को फिल करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जो ग्रुप होता है रेपोजिटरी मेंबर्स का वो आगे बढ़ते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है, गोल की तरफ। जब जब वो गोल की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, जब जब वो गोल की तरफ पास पहुंचते जाते हैं, तब तब उसमें उनमें से एक रेपोजिटरी मेंबर्स कम होता जाता है। अब कैसे कम होता है, जैसे कि अगर वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, अगर उन रेपोजिटरी मेंबर्स में से कोई दो मेंबर्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, वो एकदम पास पास आ जाते हैं, तो उनमें से एक जो है रेपोजिटरी मेंबर कम होता चला का डिलीट हो जाता है, वो डिलीट कर देते हैं रेपोजिटरी मेंबर्स को, ठीक है। तो ऐसे ही गोल, जितने वो गोल के पास पास जाते हैं, रेपोजिटरी मेंबर्स पास आते हैं, उनमें से एक मेंबर डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये मॉप्सो एल्गोरिदम वर्क करती है। अगर मेंबर्स दूर है इसमें तो वो डिलीट नहीं होंगे रेपोजिटरी मेंबर्स। अगर बहुत ज्यादा पास चले जाते हैं, मतलब दो रेपोजिटरी मेंबर्स में से जो जिनकी डिस्टेंस बहुत कम होती है, उनमें से एक मेंबर डिलीट हो जाता है। ओके, अब बात आती है कि किसने प्रपोज की थी, तो मॉप्सो जो है वो प्रपोज की थी कोयलो ने, ठीक है, 2004 में, 2004 में कोयलो ने 2004 में ये प्रपोज्ड की थी। ओके, अब बात आती है मॉप्सो एल्गोरिदम के स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके 27 स्टेप्स हैं। एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है, इसमें जो जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, हर एक फीचर्स, हर एक पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं एल्गोरिदम में। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें इनिशियलाइज करते हैं पॉपुलेशन को, ठीक है, फिर इसमें मैक्सिमाइज करते हैं पॉपुलेशन को, जीरो से लेके लाइक कितने भी हो सकते हैं पॉपुलेशन, कितने भी हो सकते हैं नंबर्स ऑफ रेपोजिटरी मेंबर्स, तो उतने तक इसको इनिशियलाइज करते हैं, फिर इसमें मैक्सिमाइज करते हैं, देन आप देख सकते हैं इनिशियलाइज करते हैं स्पीड को एक एक ईच पार्टिकल की, ठीक है, फिर जीरो से लेके मैक्सिमम तक होता है,
फिर इसमें सिक्स स्टेप में आप देख सकते हैं वैल्यू जो होती है वो जीरो तक होती है। इवेल्युएट करते हैं ईच पार्टिकल को, देन आप आगे इसके स्टेप्स पढ़ सकते हैं। ओके, देन लास्ट लास्ट गाइस अगर हम देखें तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि जो मॉप्सो होती है वो अगर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर हमारे जो मल्टी ऑब्जेक्टिव हमारे पास है तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको परफॉर्म होने के लिए ये एल्गोरिदम बहुत अच्छी है। और जैसे कि अगर बात करें कि पीएसओ का एडवांस वर्जन है, तो पीएसओ में कुछ तो प्रॉब्लम आती होगी। पीएसओ जैसे कि फर्स्टली तो ये टाइम टेकन है। अगर मैं ये बोलूँ कि ऑब्जेक्ट अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट है मेरे, सिंगल ऑब्जेक्टिव है मेरे पास, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी ये बहुत टाइम ले लेता है, बहुत टाइम टेकन होता है। अगर आप कोड रन करेंगे ना गाइस, अगर आप पीएसओ का कोड रन करेंगे और आप मॉप्सो का कोड रन करेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा कम टाइम लेता है, कौन सबसे ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। सबसे पहली बात तो मॉप्सो जो है वो बहुत कम टाइम लेता है, मल्टी ऑब्जेक्टिव पे वर्क करता है, बहुत एफिशिएंट वर्क करता है। ठीक है, एंड ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।